नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मौत को दावत देते वसई विरार मनपा में लगे होल्डिंग्स पर मनपा हुई सख्त। होल्डिंग मालिकों को दिया नोटिस, कड़े शब्दों में दी चेतावनी। वसई विरार मनपा अंतर्गत कई सालों से लगे अवैध एवं धोखादायक होल्डिंग्स, जिसे मराठी में जाहिराती फलक एवं हिंदी में विज्ञापन बोर्ड कहा जाता है, इन अवैध होल्डिंग पर वसई विरार मनपा ने एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए तोड़क कार्रवाई की थी, जिसके बाद मनपा ने कुछ नियमावली तैयार करते हुए नए बोर्ड को लगाए जाने की परमिशन कई कंपनियों को दी। इन होल्डिंग्स कंपनियों ने कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने की लालच में एक परमिशन पर एक से अधिक होल्डिंग लगा दिए, जो भी बेहद घटिया किस्म के। इस मामले पर हमने कुछ समय पूर्व वसंत नगरी सिग्नल पर एक वीडियो बनाकर मनपा का ध्यान आकर्षित किया था। साथ ही पिछले महीने आए चक्रवात तौते के कारण कुछ जगहों पर होल्डिंग गिर गए थे तो कई जगहों पर होल्डिंग झुक गए, जो कभी भी धराशायी हो सकते हैं। तौते तूफान में वसई भाबोला क्षेत्र में तरबूज व्यवसाय के व्यवसाय पर गिरे होल्डिंग की भी खबर हमने चलाई थी, जिसके बाद वसई विरार मनपा ने एक नोटिस जारी कर सभी होल्डिंग मालिकों को धोखादायक होल्डिंग को तुरंत हटाए जाने या मरम्मत किए जाने का नोटिस दिया था। लेकिन कुछ को छोड़कर बाकी किसी भी होल्डिंग मालिक ने मनपा का आदेश नहीं माना, जिस पर अब मनपा में होल्डिंग संबंधी कामकाज देख रहे उपायुक्त प्रदीप जांभले पाटिल ने सख्त रुख अपनाते हुए इन सभी धोखादायक होल्डिंग को तत्काल दुरुस्त नहीं किए जाने की सूरत में होल्डिंग मालिक के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। इस मसले पर हमने मनपा उपायुक्त प्रदीप जांभले पाटिल से बातचीत की, जो आप देखिए आगे वीडियो में। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज़ लाइव। को समय पहले ध्वस्त करके बहुत ही अच्छा एक कदम उठाया। उसके बाद में महानगर पालिका ने नियमानुसार लोगों को नए होर्डिंग लगाने की परमिशन दी और महानगर पालिका को उससे राजस्व में बढ़ोतरी हुई। लेकिन इस चीज़ में कहीं कहीं ऐसा देखने में आया कि कुछ लोगों ने नियमों के विरुद्ध जो होर्डिंग्स लगाए वो प्रॉपर नहीं लगाए, और उसकी वजह से पिछली बार चक्रवात में कुछ जगह होल्डिंग्स जो है धोखादायक स्थिति में आ गए, जिस पर महानगर पालिका ने संज्ञान लेते हुए होल्डिंग्स एसोसिएशन के लोगों को एक नोटिस निकाला था कि इन धोखादायक होल्डिंग्स को हटाया जाए। लेकिन अभी तक कुछ चिन्हित जगह ऐसी है जहाँ पर ऐसे पर कार्रवाई नहीं हुई, तो इस पर महानगर पालिका का अगला स्टेप क्या रहेगा? अभी तोकते चक्रीवादळ आणि अतिवृष्टि ह्या दोन्ही गोष्टीमुळे आपल्याकडे बरेचसे जे होर्डिंग आपण त्याला परवाना दिला होता किंवा परवाना काही जणांना दिला गेला नसेल, असे बरेचसे होर्डिंग्स आहेत की ती होर्डिंग्स हे कुठेतरी त्या चक्रीवादळामुळे अतिवृष्टीमुळे झुकलेले आहेत किंवा ते काही धोकादायक अवस्थेत आहेत। मग त्याचा विचार करून आम्ही एक ते ॲडव्हर्टायझिंग असोसिएशनला एक पत्र काढलेलं होतं, त्याच्यामध्ये आम्ही असं मेन्शन केलेलं आहे की हे जे झुकलेले असतील, पडलेले असतील किंवा वाकलेले असतील, अशा पद्धतीचे कुठलेही धोकादायक अवस्थेत असेल तर त्याचं रिपेअर तुम्ही तात्काळ करून घेण्यात यावं, अन्यथा महापालिका तुमचं स्वतः सर्वेक्षण करतं आहे की तुम्ही हे लवकरात लवकर करण्यात यावं, अन्यथा मग महापालिका स्वतः कारवाई करेल आणि जी कारवाईचा जे खर्च आहे ते सगळ्या जे परवानाधारक आहेत त्यांच्याकडनं वसूल केला जाईल। सर, चक्रवात के समय वसई में एक होर्डिंग गिरा था, उससे किसका नुकसान भी होता, अगर ऐसी परिस्थिति होती तो नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार कौन? देखिए, अभी तो ऐसा है कि ये नैसर्गिक आपत्ती है, ठीक आहे, आणि याच्यामध्ये आपण एक करावं लागेल की आपण स्ट्रक्चर जेवढं मजबूत करता येईल तेवढं करणं गरजेचं आहे। आता याच्यामध्ये आम्ही तेच त्यांना काय सांगतो आहे की तुम्ही स्ट्रक्चर मजबूत करा। आताच्या घडीला त्यांना आम्ही पत्र पण काढणार आहे महापालिकेच्या मार्फत की तुम्ही जे स्ट्रक्चर आता उभं केलेत त्याच्यामध्ये तुम्ही सुधारणा करण्यात यावी आणि जेणेकरून एक मजबूत स्ट्रक्चर उभारा, जेणेकरून थोडासा पाऊस किंवा वारा आला असेल तर ते हलणार नाही किंवा ते धोकादायक अवस्थेत येणार नाही, मग त्याची काळजी घेणं गरजेचं आहे। आणि जर ह्याच्यामध्ये जर उद्या काही जीवित किंवा वित्तहानी झाली तर ते आम्ही त्याच्यामध्ये करारनाम्यामध्ये आम्ही नमूद केलेलं आहे की ही जबाबदारी ही त्या परवानाधारकाची असेल, तुम्ही ती काळजी घेणं गरजेचं आहे। तरी महापालिका म्हणून आमचं कर्तव्य आहे, जरी परवानाधारकांनी केलं नाही तरी महापालिका म्हणून आम्ही त्यांना इंटिमेट करणं गरजेचं आहे आणि आम्ही स्वतः जर ते काढत नसतील तर आम्ही ते आम्ही कारवाई करून काढून टाकू। सर, एक अंतिम सवाल आहे की ऐसा भी नज़र में आया है कि एक एक परमिशन के ऊपर एक से अधिक
होर्डिंग लगाया गया, तो आपके ध्यान में सर ऐसी कोई बात आई है की जानकारी? ये तक्रार आली होती आमच्याकडे अशी, मग आम्ही सगळे इन्स्पेक्शन केलं, तशा तशा नोटिसेस त्या प्रत्येकाला दिलेल्या आहेत की तुम्ही एकाच्या ठिकाणी अनेक ठिकाणी, मग आम्ही ते बघितल्यानंतर आम्हाला फार काही आढळलं नाही आहे, थोडेफार आहेत आम्हाला जाणवलं, त्याच्यावरती आम्ही कारवाई करण्यासाठी आम्ही त्याला नोटिसेस दिलेत आणि कारवाई करण्यासाठी आम्ही त्याला वेळ पण दिलाय आणि त्याच्यावरती कारवाई चालू आहे. हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें.